हेलो एरीबडी इन दिस लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द बिटुमेन सबसे पहले ये देखना होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बिटुमेन और बिटुमिनस मटेरियल क्या क्या होते हैं बिटुमिनस मटेरियल सबसे पहले ये देखो यार क्यों इसकी की ज़रूरत क्यों पड़ी थी फॉर एग्जांपल हम जो हाईवे के अंदर या रोड के अंदर जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उसके लिए हम दो तरीके के आप बोल सकते हो पेवमेंट बनाते हैं या फिर रोड की जो मेन पोर्शन होता है उसको बनाते हैं एक तो बनाते हैं कॉन्क्रीट से दूसरा हम यहाँ पर डिज़ाइन करते हैं बिटूमिन से बिटुमिन से जब हम डिज़ाइन करते हैं तो यहाँ पे जो बिटोमिन होता है वो हम यूज़ करते हैं बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ें हम देखने को मिलती है दो नहीं तीन चीज़ें हम देखते हैं यहाँ पे। उनका नाम है बिटोमिन टार और एक होता है आपका एसफाल्ट सबसे पहले तो आप एसफेल्ट और बिटोमिन में ही डिफ्रेंस देख लो देखो अगर कोई बोले एस्फैल्ट क्या होता है एसफेल्ट व्हाट इज एसफेल्ट तो एस्फेल्ट का मतलब होता है कि मैं बिटुमिन के अंदर अगर मैं सेंड मिला दूँ ना तो आपका क्या मिल बन जाएगा एस्फेल्ट बन जाएगा क्लियर हो गई बात अब बात आती है कि बिटुमिन क्या होता है और टार क्या होता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है सबसे पहला डिफरेंस तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग का ही डिफरेंस होता है कि किस तरीके से मैन्युफैक्चर होते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि बिटुमिन कैसे बनता है या कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फिर देखेंगे कि टार कि किस तरीके से एक्सट्रैक्ट होता है तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बिटुमिन किस तरीके से एक्सट्रैक्ट होता है जो आपका क्रूड ऑयल होता है ना उस क्रूड ऑयल को आप क्या करते हो हीटर के अंदर डालते हो और यहाँ पे होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब है कि, कि किसी भी चीज़ का अलग अलग टेम्परेचर पर एक अलग अलग बाई प्रोडक्ट का निकलना तो यहाँ पे सबसे पहले जो 20 डिग्री पे आपको जो चीज़ मिलने वाली है क्रूड ऑयल से वो मिलेगी आपको एलपीजी जिसको हम फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं वो सेवेंटी डिग्री पे आपको मिलेगा पेट्रोल और वन ट्वेंटी डिग्री पे आपको नेपथथा मिलेगा और वन एट्टी डिग्री पे कैरोसिन मिलेगा और टू सिक्सटी डिग्री पे डीजल मिलेगा और थ्री हंड्रेड डिग्री पे आपको लिब्रिकेट ऑयल जैसे ग्लिसरीन मिलेगी और थ्री फिफ्टी डिग्री पर तीन सौ पचास डिग्री पे फ्यूल ऑयल मिलेगा उससे ज़्यादा गर्म करोगे तो आपको यहाँ पर आप बोल सकते हो कि रेजिड्यू मिलेगा रेजिड्यू इज़ नथिंग बट यू कैन से बिटूमिन मिलेगा डामर टाइप में मिलेगी तो इस तरीके से आप बोल सकते हो कि बिटोमिन का एक्सट्रैक्शन हम कर सकते हैं किससे बना बिटोमिन आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो बिटोमिन का एक्सट्रैक्शन हुआ वो तो आपके पेट्रोल से हुआ या पेट्रोलियम से हुआ तो पेट्रोलियम से हुआ या फिर बोल सकते हो कि क्रूड ऑयल से हुआ और अगर मैं टार की बात करूँ तो टार कुछ इस तरीके से बनता है आपने टार सुना होगा जिसको हम टार नहीं हम कहीं पर हम कोल टार के नाम से भी कोल टार के नाम से भी आपने इसको कहीं ना कहीं सुना होगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कोल टार देखो कोल से बनने वाला टार एक होता है वुड टार भी होता है आप कहीं सुना हो नहीं सुना हो लेकिन याद रखना कि एक वुड टार भी होता है अब देखो कोल टार का मतलब क्या होता है आप एक बोल सकते हो कि एक कंटेनर में आपने यहाँ पे कोल डाल दिया कोयला डाल दिया उसको क्या किया आपने हीट किया गरम किया तो यहाँ पे जो पाउडर्ड कोल होता है उसको गरम करने पे यहाँ पे एक गैस निकलती है वो गैस आपके वाटर के अंदर जाती है और वहाँ पे आपको एक मड जैसी स्ट्रक्चर मिलती है साथ में यहाँ से एक गैस निकलती है जिसको हम क्या कौन सी गैस बोलते हैं कोल गैस बोलते हैं कुछ इस तरीके से निकल जाती है तो हमारी जो काम की चीज़ है वो होती है कोल टार मतलब कोयले से निकला हुआ मड़ जिसको हम कोल टार बोलते हैं तो आई होप यू गोट द पॉइंट वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ़ द कोल टार और किस तरीके से कोल टार बनता है अगर मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं वुड का यूज़ कर लूँ अगर मैं यहाँ पे वुड का यूज़ करूँ तो यहाँ पे जो मिलेगा वो वुड टार होगा क्लियर हो गई तो इस तरीके से दोनों की मैन्युफैक्चरिंग होती है अब यहाँ पे पहला तो आपको डिफरेंस पता ही चल गया एसफाल्ट भी होता है एसफेल्ट इज़ नथिंग बट वेन बिटूमिन एड विद सैंड सैंड को आप बिटूमिन के साथ मिला दो तो आपको जो चीज़ रिजल्टेंट वैल्यू मिलेगी वो एसफाल्ट होगी क्लियर होगी बात इसके बाद में यहाँ पे बात करेंगे हम दूसरी चीज़ कि ये दोनों किस ये जो होता है विटामिन किस में होता है तो सी एस टू में सोल्यूबल होता है और सी सी एल फोर में मतलब कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल होता है और कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉलीबल होता है मतलब घुलनशील होता है मिल सकता है और आपका जो टार होता है वो किस में मिल सकता है वो टॉलोलिन में मिल सकता है टॉलोलिन एक टाइप ऑफ कैरोसिन आप बोल सकते हो एक तरीके का तेल होता है जिसमें टार इजीली मिल सकता है ठीक है और आप नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखो इट इज़ मोर रेजिस्टेंस टू द वाटर जो विटामिन होता है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है किसके वाटर के वाटर का ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है और ये लेस रेजिस्टेंस होता है पानी आया और पानी को पानी के साथ में बह जाता है नेक्स्ट डिफरेंस जो देखिए उसको ध्यान से सुनना जो बिटूमिन होता है उसकी जो टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी होती है वो लेस होती है अब आपके दिमाग में आएगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी देखो टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी का बेसिकली मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के आसपास का अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करता हूँ और उस टेम्परेचर के एक इंक्रीज होने पर यह ऑब्जेक्ट अपनी वॉल्यूम को या तो इंक्रीज करे या डिक्रीज करे या तो बढ़ा दे या कम कर दे मतलब टेम्परेचर से सेंसिटिव हो टेम्परेचर को देख के डर जाए तो उसको बोलेंगे मोर ससेप्टिबल मोर सेंसिटिव टूवर्ड्स द टेम्परेचर अगर टेम्परेचर बढ़ा दो या घटा दो कोई फ़र्क ना पड़े तो वो होगा लेस असेप्टिबल तो जो विटोमिन होता है वो लेस असेप्टिबल होता है टूवर्ड्स द यू कैन से टूवर्ड्स द टेम्परेचर तो आई होप यू गॉट द पॉइंट वॉट इज द मीनिंग ऑफ द टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी एंड यू कैन ईजिली गेट द माई पॉइंट वॉट आई वॉन्ट टू से बात समझ में आ रही होगी ओके तो टेंपरेचर सेप्टेबिलिटी का मतलब आपको समझ में आ गया अब यहाँ पे नेक्स्ट बात होते लेस फ्री कार्बन जो आपके बिटुमिन होते हैं उसके अंदर फ्री कार्बन कम से कम होता है क्यों कम से कम होता है और टार के अंदर क्यों ज़्यादा होता है देखो जो टार होता है और उसकी मैन्यूफैक्चरिंग किससे होती है कोल से होती है तो उसके अंदर ज़्यादा कार्बन होंगे देखिए किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा कार्बन होंगे चाहे वो स्टील हो चाहे वो कोल हो चाहे वो चाहे वो टार हो चाहे वो बिटोमिन हो जिसके अंदर ज़्यादा कार्बन होगा उसकी ब्रिटिलनेस ज़्यादा होगी फ्लैक्सीबिलिटी कम होगी तो यहाँ पर बोल सकते हो कि दोनों में से कौन ज़्यादा फ्लेक्सीबल होगा ऑफकोर्स बिटोमिन ज़्यादा फ्लैक्सीबल होगा तो ये बात है आपको टार और बिटोमिन के बीच के डिफ्रेंस के बारे में याद रखनी है और कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ देखो अगर मैं मोटा मोटी बात करूँ तो जो टार होता है वो गाढ़ा होता है काफ़ी काफ़ी गाढ़ा होता है विटोमिन इतना नहीं होता है और जो बेसिकली रोड बनाने के लिए यूज़ किया जाता है वो बिटुमिन किया जाता है टार का यूज़ सिर्फ एक जगह आता है वो है आपका जो रोड के अंदर जो पैचेज आ जाते हैं गड्ढे आ जाते हैं उनको भरने में जिसको हम बोलते हैं ग्राउटिंग या पैचिंग गॉट इट तो पैचिंग के लिए टार का यूज़ करते हैं सिर्फ तो ये डिफरेंस होते हैं बेसिक डिफरेंस और मेजर डिफरेंस मैंने सब बता दी दिस वॉज द मैन्यूफैक्चरिंग द यूनिट ऑफ कोल्ड आर एंड द पेट्रोलियम लेट्स मूव फॉर द टाइप ऑफ विटोमिन देर आर लॉर्ड ऑफ टाइप ऑफ विटोमिन पहले टाइप का विटोमिन होता है जिसको हम बोलते हैं पेविंग विटोमिन अब आपको समझना है कि वॉट इज द मीनिंग ऑफ द पेविंग विटोमिन देखो पेविंग का मतलब होता है किसी भी रोड कंस्ट्रक्शन में जो पेवमेंट बनाते हैं उसके लिए यूज किए जाने वाला पेविंग ग्रेड विटोमिन होता है इसकी क्या खास बात होती है इसकी कुछ नहीं होती है ये भी डिस्टिलेशन से निकाला जाता है सेम चीज़ होती है बस इसकी अच्छी एक ससेप्टिबिलिटी नहीं होती है एक लेस ससेप्टिबल होता है टेम्परेचर से अच्छी फ्लैक्सिबिलिटी होती है सेकेंड टाइप ऑफ विटोमिन इज बैक विटोमिन वट इज़ द मीनिंग ऑफ द कट बैक विटोमिन दिस इज द बिटोमिन विच इज़ यूज फॉर द ग्राउटिंग और द पैचिंग ओके नेक्स्ट होता है आपका यहाँ पे विटोमिन इमल्शन एक ऐसा विटोमिन जो कि इजीली पानी में डिजोल्व हो सके जब आप बिटुमिन को पानी में डालते हो तो नीचे बैठ जाता है लेकिन जो आपका बिटुमिन इमल्शन होता है वो नीचे नहीं बैठता है ये क्या होता है ये मिल जाता है घुल जाता है कम्प्लीटली मिल जाता है गॉट इट तो देर आर थ्री टाइप ऑफ बिटुमिन। वन इज़ द कटबैक बिटुमिन, सेकेंड इज द पेविंग रेड विटोमिन और कटबैक पेविंग ग्रेड और विटोमिन इमल्शन ये तो याद रखना है अब आपके दिमाग में आएगा कि इमल्शन क्या है ये देखो जब हम विटोमिन के साथ में इमल्शीफायर यूज़ कर लेते हैं अब इमल्शिफायर क्या होता है वैन वी वी एड वैन वी एड द इमल्शिफायर लाइक सोप द सोप इज द बेस्ट इमल्शिफायर यू कैन से सोप इज़ द बेस्ट इमल्शिफायर अब इमल्शिफायर का मतलब क्या होता है देखो ऐसी चीज़ जो इजीली वाटर में डिज़ोल्व मतलब आप बोल सकते हो कि किसी भी चीज़ को डिजोल्व करने लायक बनाए उसको हम इमल्शिफायर बोलते हैं तो सॉप इज़ अ बेस्ट इमल्शिफायर ओके कितना परसेंट होता है फाइव परसेंट यहाँ पे इमल्शिफायर का हम यूज़ करते हैं कितने का फाइव परसेंट का हम यूज़ करते हैं नाइन्टी फाइव परसेंट यू हैव टू यूज़ द बिटूमिन ओके लेट्स मूव फर्दर अब हम क्या करेंगे टेस्ट करेंगे देखो बिटोमिन के बारे में समझ में आ गया बिटोमिन किस तरीके से काम करता है समझ में आ गया नाउ वी विल टेस्ट द बिटोमिन फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर एन इंजीनियर इन हाईवे कंस्ट्रक्शन और वहाँ पे आप, आप खुद जो एन होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है वो खुद का बिटोमिन खुद तो तैयार नहीं करता है वो किसी से ही भी किसी से बिटोमिन मांगेगा किससे मांगेगा भारत पेट्रोलियम से अगर आपने बिटोमिन ऑर्डर किया है तो यू एज एन इंजीनियर यू हैव टू टेस्ट सम टेस्ट आपको वहाँ पे कुछ परफॉर्म करने पड़ेंगे और दोज टेस्ट वी विल स्टडी इन दिस लेक्चर तो पहला जो टेस्ट होता है वो होता है पेनिट्रेशन टेस्ट इसके अंदर क्या होता है रूम टेम्परेचर पर बिटोमिन को लेंगे और पेनिट्रेट करवाएंगे एक निडिल को यहाँ पे ये पैनीट्रोमीटर होता है कुछ ऐसा दिखता है इसके कुछ गैजेट्स के बारे में या फिर इनके कुछ पार्ट्स के बारे में आपको समझाना चाहता हूँ ये डायल होता है दिस इज़ डायल दिस इज़ निडल जिसकी हंड्रेड ग्राम की निडल होती है और ये होता है आपका विटोमिन भर के रखने वाला कंटेनर जो कि फिफ्टीन एम एम ऊँचा हाइट वाला एक सिलेंडर होता है बस ये आपको याद रखना है यहाँ पे एक छोटी सी निडल दिख रही होगी इसको हम खींचते हैं जैसे खींचते हैं तो ये जो हंड्रेड ग्राम की निडल है वो नीचे चली जाती है फिर ये पेनिट्रेट होती है तो इस तरीके से यहाँ पे हम पेनीट्रेट पैनीटेशन टेस्ट परफॉर्म करते हैं आई होप यू गोट द पॉइंट किस तरीके से किस चीज़ को हम खींचेंगे यहाँ पे जो ये पिन लगी हुई है इसको हम बाहर की तरफ खींचते हैं तो हम जब इसको खींचते हैं तो जो है हंड्रेड ग्राम की पिन निडल लगी हुई है जो कि आपके नीचे यहाँ पे रखे हुए बिटोमिन के अंदर जाके घुस जाती है और आपको यहाँ पे आपको ये एक डायल होता है जिसको हम पेनेट्रोमीटर डायल बोलते हैं दिस विल गिव अस आर रिज़ल्ट ओके लेट्स मूव फॉर दिस इज़ द सेकेंड टेस्ट विच इज़ नॉन एज द डक्टिलिटी टेस्ट वाट इज द मीनिंग ऑफ द डक्टिलिटी देखो डक्टिलिटी का मीनिंग क्या होता है डकट डक्टिलिटी का मतलब होता है वेन आई स्ट्रेस समथिंग इट कन्वर्ट इन टू थिन वायर जब मैं किसी चीज़ को खींचूँ तो इसके थन थिन वायर में कन्वर्ट होने की करेक्ट्रिस्टिक या प्रॉपर्टी को ही मैं क्या बोलूँगा डकटाइल होना तो कोई विटोमिन कितना डक्टाइल है होना चाहिए डक्टाइल तभी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी पता चलेगी तो उसके लिए क्या करते हैं एक इस तरीके का कंटेनर होता है इसके अंदर पानी डाल देते हैं और पानी का जो टेम्परेचर होता है वो सत्ताईस डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए फिर हमारे पास में एक मोल्ड होता है जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है इसके बीच में जो विटोमिन होता है उसको फिल कर दिया जाता है यहाँ पर आपको विटोमिन फिल करना है यहाँ पर आपने विटमिन को क्या किया यू हैव टू फिल बिटोमिन इन दिस मोल्ड आपको यहाँ पर एक मॉल्ड मिलेगा जिसमें आपको विटामिन फिल कर देना फिल करने के बाद में जिस म, जिस मशीन को हमने स्टार्टिंग में पानी से भरा था वहां पे इस मॉल्ड को डाल देना है और स्ट्रेच करना है इस तरीके से स्ट्रेच करना है जो विटोमिन होता है वो कुछ इस तरीके से शेप ले लेगा इस तरीके की शेप आपकी ले लेगा ले ली शेप इस तरीके की ओके अब आपको देखना है कि टिल द ब्रेकिंग पॉइंट जब तक वो विटोमिन टूटे ना बिल्कुल एंड पॉइंट तक तब तक देखना है कि कितने सेंटीमीटर की डिस्प्लेसमेंट आपको शो हुई है दस सेंटीमीटर बीस सेंटीमीटर साठ सेंटीमीटर अस्सी सेंटीमीटर वॉट एवर वैल्यू यू गेट तो दैट वैल्यू इज़ द इंपॉर्टेंट ओके तो यहाँ पे यही समझना है कि ये आपकी स्ट्रेचिंग वैल्यू को चेक करने के लिए काम आता है नेक्स्ट जो टेस्ट होता है वो होता है आपका विस्कोसिटी टेस्ट दिस इज द टेस्ट इसके अंदर विस्कोसिटी देखो विस्कोसिटी का मतलब होता है किसी के फ्लो होने की क्षमता कोई चीज़ ईजिली फ्लो होती है जैसे पानी और शहद को मैं अगर डालूँ तो कौन सी चीज जल्दी से बहेगी पानी बहेगा तो विस्कोसिटी किसकी ज्यादा हुई जो नहीं बहा उसकी शहद की ज्यादा हुई विस्कोसिटी क्लियर हुई बात ओके विस्कोसिटी इज डिटरमाइंड यूजिंग द ऑर्फिस विस्कोमीटर अब क्या होता है ऑर्फिस विस्कोमीटर अभी देखने वाला है इन द टर्म टाइम टेकिंग द सेकेंड्स बाय 50 एम ऑफ बिटोमिन टू फ्लो फ्रॉम बीकर थ्रू स्पेसिफिक औरफिक अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन द टेम्परेचर शुड बी ट्वेंटी फाइव सेंटीग्रेड मतलब जब हम परफॉर्म करते हैं तो टेम्परेचर आपका बाहर का पच्चीस डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड जो बी आई है जो आपका बी ओ आई है ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड है इंडियन स्टैंडर्ड है बी आई एस जो है आपका हैज़ रिकमेंडेड विस्कासिटी ग्रेड वी जी जिसको हम बोलते हैं ग्रेड ऑफ बिटोमिन पुराने टाइम पे जो आप बिटोमिन की जो ग्रेडिंग देते थे वो इसी से ही देते थे ठीक है विस्कोसिटी ग्रेड से देते थे बेस्ड ऑन एब्सोल्यूट विस्कोसिटी वैल्यू डिटरमाइन एट सिक्सटी डिग्री सेल्सियस मतलब साठ डिग्री सेल्सियस पे आप यहाँ पे विस्कोसिटी वैल्यूज को देते थे इट इज़ सो बिकॉज द पेवमेंट सरफेस टेम्परेचर इज कंसिडर्ड टू बी दिक्सटी डिग्री एंड द लेइंग टेम्परेचर ऑफ बिटोमिन मिक्सिस टू बी वन थर्टी फाइव डिग्री द विस्कोसिटी ग्रेडिंग सिस्टम ओके इसमें होता है क्या है कुछ इस तरीके का एक विस्कोमीटर होता है ऑरिफिस विस्कोमीटर और ओरिफिस कहने का, का मतलब है यहाँ पे एक छोटा सा छेद होता है ऊपर से हम बिटुमिन डालते हैं और यहाँ पे एक मशीन लगी होती है जो कि इस बिटुमिन के टेम्परेचर को बढ़ाती जाती है बढ़ाती जाती है हम क्या करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमको क्या देखनी है विस्कोसिटी उस टेम्परेचर यहाँ पर हम फिक्स करते हैं उसके बाद में क्या करते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे एक फ्लास्क होता है वो फ्लास्क कितनी देर में बढ़ता है उस टाइमिंग को हम नोट करते हैं और वही आपकी क्या होती है विस्कोसिटी यूनिट होती है और वही आपको यहाँ पे विस्कोसिटी ग्रेड देने में मदद करती थी अभी नहीं यूज़ करते ये हम ग्रेड देने के लिए तो याद रखना है जो फ्लास्क होता है वो कितने वॉल्यूम का होता है फिफ्टी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का आपका फ्लास्क प्रजेंट होता है नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हम सॉफ्टनिंग पॉइंट देखो सॉफ्टनिंग पॉइंट एक टेस्ट होता है जो कि हम परफॉर्म करते हैं जिसको दूसरे नाम से भी बोलते हैं जिसका नाम होता है रिंग एंड बॉल टेस्ट रिंग एंड बॉल रिंग एंड बॉल इसमें एक रिंग यूज़ की जाती है एक बॉल यूज़ की जाती है ठीक है बॉल जो होती है वो साढ़े तीन से चार ग्राम की बॉल होती है ठीक है साढ़े तीन से चार ग्राम की बॉल होती है यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक रिंग होती है रिंग की कोई फिक्स डाया नहीं दी हुई हुई आपको सिर्फ याद रखना है दो रिंग होती है जिनको विटोमिन से ये भर दिया गया है इसके बाद में इसको एक पानी के कंटेनर में डाल दिया जाता है इस तरीके से एक पानी का कंटेनर होता है इसमें ये रिंग डाल दी ऊपर से ये बोल डाल दी जिसका वज़न जो है वो साढ़े तीन से चार ग्राम तक है इसके बाद इसके अंदर प्रजेंट पानी का टेम्परेचर को क्या करते हैं हम इनक्रीज़ करते जाते हैं और यहाँ लगाते एक थरमोमीटर एक थर्मोमीटर यहाँ पर लगा देते हैं और वो थर्मोमीटर आपको टेम्परेचर की रीडिंग्स देता है जिस टेम्परेचर पे आपका जो बॉल होता है वो कहाँ आ जाए नीचे वाले इस वाले मेटल के टुकड़े पे टच कर जाए जिस टेम्परेचर पे टच कर जाए उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेते हैं उस टेम्परेचर को जैसे ही आप नोट करोगे तो वो टेम्परेचर आपका क्या होगा यहाँ पे सॉफ्टनिंग पॉइंट होगा गॉट इट ओके नेक्स्ट होता है नेक्स्ट टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट इसके अंदर क्या होता है देखो फ्लैश पॉइंट का मतलब क्या होता है फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है कि, कि किसी भी चीज़ के ऊपर मैचस्टिक लेके जाओ तो वो फ्लैश करके जलने लग जाए और फायर का मतलब होता है कि जब आप मैचस्टिक को उस चीज़ के ऊपर लगाओ तो वो खुद चीज जलने लग जाए पाँच सेकंड तक तो उसको फायर पॉइंट टेस्ट बोलते हैं जो फायर और फ्लैश पॉइंट टेस्ट होता है वो दो चीज़ों से किया जाता है पहला होता है आपका पेनिस की मार्टिन एक लो होता है या फिर बोल दो कि एक मेथड होता है जिसमें पेंस की इस तरीके के कंटेनर होता है जिसमें यहाँ पे बिटुमिन भर दिया जाता है दूसरा कंटेनर कुछ इस तरीके से होता है यहाँ पे भी क्या किया जाता है यहाँ पे आप बिटुमिन भर दोगे वी हैव टू फिल द बिटुमिन इन दिस कंटेनर यहाँ पे आपको बिटुमिन फिल करना है और आपको लेनी है क्या मेजेस्टिक लेनी है मतलब माचिस की तीली लेनी है और इसके ऊपर अंदर से क्या निकलेगी वेपर्स निकलेंगे क्या निकलेंगे वेपर्स निकलेंगे और स्टिक को यहाँ पे आपको वेपर्स के ऊपर लगाना है तो क्या होगा यहाँ पे एक फ्लैश की तरह एक आग जलेगी है ना? तो वो जो फ्लैश की तरह जो आग जलेगी उस फ्लैश की तरह जलती हुई आग को आप बोल सकते हो कि जिस टेम्परेचर पे यहाँ पे टेम्परेचर नोट होगा जिस टेम्परेचर पे एक फ्लैश आप फायर मिले वही आपका टेम्परेचर यहाँ पे फ्लैशिंग पॉइंट होगा पहली चीज़ तो ये याद रखनी है दूसरी चीज क्या याद रखनी है आपने यहाँ पे भर दिया क्या भर दिया यहाँ पे विटोमिन फिल कर दिया कर दिया इसके बाद में एक मैचस्टिक लेके आए और इसके ऊपर इस बिटोमिन के ऊपर ही आपने उस मैचस्टिक को लगा दिया इस तरीके से बिल्कुल ऊपर सरफेस पे ही अगर जो आप जिस टेम्परे और यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करते रहे करते रहे करते रहे जिस टेम्परेचर पे ये जो मैजिस्टिक लगाने पे आपका जो बिटोमिन है वो जलने लग जाए कितनी देर के लिए पाँच सेकंड के लिए वही पॉइंट वही टेम्परेचर आपका क्या होता है फायर पॉइंट होता है गॉट इट लेट्स मूव फर्दर सोल्यूबिलिटी टेस्ट इसके अंदर कुछ नहीं होता देखो क्या होता है इसके अंदर दो ग्राम तो आपको बिटूमिन लेना होता है दो ग्राम बिटूमिन लेना है उस दो ग्राम विटामिन को क्या करना है 100 एम एल आपके नेपथा बोल दो या सी सी एल फोर के अंदर मिला देना है तो मैं यहाँ पे 100 एम एल क्या मिला दूंगा नेपथा में इसको मिला दूंगा मिलाने के बाद में एक फिल्टर पेपर लेना है और उस फिल्टर पेपर पे इसको डालना है और फिल्टर पेपर से इसको पास कराना है जो ऊपर कुछ पार्ट बच जाएगा उसको चौबीस घंटे के लिए ड्राई होने के लिए रख देना है जो ऊपर पार्ट बचे उस वो कितना होना चाहिए लेस देन वन परसेंट होना चाहिए कितने का एक सौ दो का ये एक सौ दो आपको एक सौ दो ग्राम बोल सकते हो एक सौ दो एम एल बोल सकते हो उसका सिर्फ़ लेस देन वन परसेंट होना चाहिए तभी आपका जो बिटूमिन है वो बेस्ट है लेट्स मूव फर्दर इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं अब यहाँ पे हम ये तो होगी आपकी पूरी की पूरी क्या सॉल्युबिलिटी टेस्टिंग होगी हो गया सॉल्युबिलिटी टेस्टिंग अब सॉल्युबिलिटी टेस्टिंग के बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कि विटोमिन कितने तरीके से बांटा गया है ठीक है विटोमिन की ग्रेड्स कितनी होती है तो बेसिकली बिटोमिन की यहाँ पे आप बोल सकते हो चार ग्रेड में विटोमिन मिलता है एक मिलता है वी जी टेन दूसरा होता है वी जी ट्वेंटी तीसरा होता है वी जी थर्टी और चौथा होता है वी जी फोर्टी देर आर फोर ग्रेड ऑफ विटोमिन प्रेजेंट इन मार्केट अब इनकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो देखने वाले हैं देखो ध्यान से हमने जितने भी टेस्ट अभी देखे उनके अकॉर्डिंग हम इनकी वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले यहाँ देखेंगे पेनिट्रेशन पेनिट्रेशन तो VG10 की जो पेनिट्रेशन होती है वो होती है 80 अब मैं आपको एक बात बता दूँ जितनी VG की वैल्यू इंक्रीज होगी उतना विटूमिन क्या हो जाएगा गाढ़ा होता जाएगा समझ में आ गई बात तो जितनी वी की वैल्यू इंक्रीज़ होगी उतनी ये गाढ़ा होता जाएगा अब एटी क्या है एटी पैनीट्रेशन है जो स्टार्टिंग में पेनेट्रोमीटर से किया था ना जो निडल डाली थी हंड्रेड ग्राम की वो वैल्यू है लेकिन हंड्रेड एटी एम तो नीचे जा नहीं सकता तो जो पेने जो डायल में वैल्यू आती है उसको टेन से डिवाइड करते हैं याद रखना जैसे डायल में वैल्यू आई ट्वेंटी तो एक्चुअली मतलब है टू पॉइंट फाइव हुआ है डायल में वैल्यू आई एट्टी तो इसका मतलब है एट एम एम पैनीट्रेशन हुआ है तो यहाँ पे वी जी टेन के लिए जो पेनिट्रेशन क्यों कि ये जो होगा वो पतला होगा लेकिन वी जी ट्वेंटी वी जी टेन से गाढ़ा होगा तो जो वी जी ट्वेंटी के अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी सिक्सटी डिवाइडेड बाई टेन मतलब सिक्स एम एम इसी तरीके से नेक्स्ट जो वैल्यू मिलेगी वो आपकी मिलेगी यहाँ पे फोटी फाइव उसके बाद मिलेगी थर्टी फाइव तो ये आपको याद रखना है तो बेसिकली यहाँ पे टेन से डिवाइड करने पे ही आपको फाइनल वैल्यूज़ मिलती हैं पेनिट्रेशन के अंदर टेन से डिवाइड करने पे ही आपको फाइनल वैल्यूज़ मिलती हैं अब देखते हैं आगे पेनिट्रेशन तो देख लिया इसके बाद हम देखेंगे फ्लैश पॉइंट फ्लैश पॉइंट मतलब कितने डिग्री पे ये जलने लगेगा तो फ्लैश पॉइंट फ्लैश पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो फ्लैश पॉइंट होगा यहाँ पर सबके लिए 220 डिग्री सेल्सियस 220 डिग्री सेल्सियस 220 डिग्री सेल्सियस और इसके लिए भी 220 डिग्री सेल्सियस मतलब सारे वी जी टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी सब के लिए जो फ्लैश पॉइंट होगा वो होगा 220 डिग्री सेल्सियस गॉट इट इसके बाद में फ्लैश पॉइंट के बाद में जो चीज़ देखने वाले हैं वो क्या है फ्लैश पॉइंट के बाद में हम देखेंगे यहाँ पर रीडिंग ऑफ तो फ्लैश पॉइंट के बाद में जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे सोल्यूबिलिटी मतलब कितना परसेंट मिल जाता है वो आपके किसमें नेपथा के अंदर तो यहाँ देखेंगे हम सोल्यूबिलिटी सोल्यूबिलिटी तो यहाँ पे सारे के सारे ग्रेड 99 परसेंट डिजोल्व हो जाने चाहिए द ऑल ग्रेड शुड बी डिज़ोल्व 99 परसेंट क्लियर हो गई बात ओके okay. नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक देखेंगे वो क्या होगी देखो ध्यान से अगली जो करेक्टरिस्टिक होगी वो देखेंगे हम यहाँ पे सॉफ्टिंग मतलब सॉफ्टनिंग पॉइंट कितना होगा जो हमने बॉल एंड रिंग से परफॉर्म की थी वो वाली वैल्यू कि कितने डिग्री टेम्परेचर पे वो सॉफ़्ट होती है तो यहाँ देखने वाले हम सॉफ्टिंग पॉइंट सॉफ्टिंग पॉइंट तो जो वी जी टेन होता है वो पतला होता है तो वो फोर्टी डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाएगा नीचे बॉल जो होगी वो नीचे चल जाएगी और यहाँ पे फोर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस पे नीचे जाएगी और उसके आगे जाएगी आपकी फोर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस पे और उससे ज़्यादा जो होगी जो गाड़ी होगी वो 50 डिग्री सेल्सियस पे नीचे टच करेगी नीचे वाले जो नीचे बताया था मैंने एक स्टैंड नेक्स्ट हम जो चीज़ देखने वाले हैं वी जी ग्रेड्स के लिए वो होगी डक्टिलिटी कितनी खिंच सकती है तो हम जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक देखेंगे वो देखेंगे डक्टिलिटी hmm. देखो डक्टिलिटी जो होगी वो पतला जितना विटोमिन होगा उसकी डक्टिलिटी उतनी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 75 सेंटीमीटर उसके बाद में आएगी 50 सेंटीमीटर उसके बाद में आएगी फोर्टी सेंटीमीटर और लास्ट में आएगी आपकी ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो दीज आर द वैल्यूज़ फॉर वी जी टेन वी जी ट्वेंटी वी जी थर्टी वी जी फोर्टी तो दीज वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर ध्यान से सुनना देखो याद नहीं रखनी इसको दो तीन बार अगर रिवाइज करोगे बार बार पीछे करके वीडियो को देखोगे तो आपको याद हो जाएगा तो वी जी टेन का मतलब क्या होता है अब इंडिया के अंदर कौन से ग्रेड को हम मोस्ट प्रेफरली यूज़ करते हैं तो इंडिया के अंदर वी जी ट्वेंटी यूज़ करते हैं और वी जी थर्टी यूज़ करते हैं वी जी टेन हम सिर्फ यूज़ करते हैं कहीं पे स्प्रे करना है विटोमिन का और वी जी फोर्टी यूज़ करते हैं कहीं पे आप ग्राउटिंग करनी है वहाँ पे। बेसिकली आप वी जी ट्वेंटी और वी जी थर्टी का ही यूज़ करते हो फ्लैश याद रखना है फ्लैश क्या होता है पेनिट्रेशन में पॉइंट लगाना है डायल में जो वैल्यू आएगी वो 80 आएगी लेकिन एक्चुअली पेनिट्रेशन 80 एम mm तो हो ही नहीं सकता क्योंकि जो डायल के नीचे रखा हुआ जो कंटेनर था वही 15 एम mm का था तो यहाँ पे तो वैल्यू 80 आ ही नहीं सकती इसलिए जो डायल में वैल्यू आएगी उसको 10 से डिवाइड करना होता है वही आपकी पेनिट्रेशन वैल्यू होती है एटी सिक्सटी फोर्टी फाइव ओके उसके बाद में ये तो सबको याद ही रहेगा सॉफ्टिंग पॉइंट वो जो बॉल वाला जो टेस्ट था रिंग बॉल वाला उसके अंदर 40 डिग्री पे यहाँ पे जितना पतला होगा उतनी जल्दी से आप बोल सकते हो नीचे बॉल टच हो जाएगी यहाँ 50 डिग्री पे होगी डक्टिलिटी के अंदर खींचेंगे तो वायर कितने सेंटीमीटर का बनेगा जितना पतला होगा उतना लंबा वायर बनेगा सेवेंटी और यहाँ पे गाढ़ा होगा तो 25 सेंटीमीटर का ही वायर ड्रॉन हो पाएगा दिस वॉज द कंप्लीट चैप्टर इफ यू एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन थैंक